कोई नहीं आया हले। कोई नहीं आई गैस, अब्बू को भूख लगी। एक बज गया दोपहर का, सवा एक हो गया। अभी आया है सामान बाहर से, फ्रूट वेजिटेबल्स सारा कुछ। देखें पपीता है, पपीता पपीता आया, इसको काटेंगे अभी। कोई देर दो खाली देर कट्टा फिर जी। आज पक रहा है कद्दू गोश्त, कद्दू चिकन, और माफिया ने कहा कि उसने सीखना है, तो माफिया को मैं बता रही हूँ क्या क्या डालें और कैसे पकेगा कद्दू गोश्त। बिल टमाटर, टमाटर को आके भून। तो देखिए ऐसे ही हमारी माँ ने हमें सिखाया था, ऐसे ऐसे ही सिखाया था। वेरी अजीब, मैं कहती हूँ दिन इन्ना लंबा दिन है, इन्ना लंबा दिन है इतने गुजरता नहीं। ये ना तो मैं बाहर कि घूम जाना है, ना फिरन जाना है, ना किसी को मिलने जाना है, तो वक्त नहीं गुजरता इधर। मैं कहती हूँ घर में सब हो ना तो वक्त गुजरने का पता नहीं चलता, लेकिन जब ना हो तो फिर एहसास होंगे कि कितने चले गए। यह हमेशा की गल है कि सानू जिहड़े साढ़े नाल रहन वाले ने ना, माँ बाप भैन भरा, कभी भी जिंदगी उन्हां दी कदरों कीमत का अंदाजा नहीं होया। हमेशा हमेशा जो कोई रिश्ता साढ़े को छुटद ना, फिर सानू ओदी तड़प ते ओदी जड़ी है ना, ना होने की तकलीफ ओ बहुत महसूस होंगी। तो जी यहाँ माफिया ने बना ली थी हांडी बड़ी जबरदस्त, तो एवेखो विच पानी पा के इनू मैं हल। हाँ जी, तो मैं क्या मैं ना तुहाडे कोल सवालों के जवाब दे देवां। कल दी वीडियो थले बहुत ज़्यादा कमेंट्स सन, तो मैनू बहुत चंगा भी लगता है कि तुसीं बिल्कुल एक फैमिली तरह अबू जी की फिक्र कर दो, एक फैमिली तरह इनवॉल्व होंगे हो, एक फैमिली तरह तुसी मशवरे दें दे कि सना को कहें कि वो आके अबू जी के पास रह ले, या आपके भाई हैं वो आपके आके अबू जी के पास रहे। तो बिल्कुल उस तरह ही फिक्र कर दो जिस तरह तुसी सारे अबू जी के बेटे या बेटियां हो। तो मैं क्या मैं तुहाडे सारिआं दी ना अज फिक्र दूर कर देवां कि सना जो है ना वो जहाँ रहती है उसके बच्चे बहुत अच्छे स्कूल में पढ़ते हैं, और बड़ी क्रूशल स्टेज है बच्चों की पढ़ाई की, जिहड़ा वो छड़ के बच्चों को चुके इत्थे आके नहीं रह सकती। जिस तरह मैं इत्थे आके रह लैनी हूँ 2 महीने, या दूसरी सिस्टर्स आके रह लेती हैं, असी अपने बच्चे या हसबेंड तो नहीं ना लैके आते, या असी इन्नी देर फिर किंज रहीए जो वो साढ़े नाल आ जाए। जाहिर है बच्चों की अपना फ्यूचर है, अपनियां पढ़ाइया ने, वो नहीं खराब कीतियां जा सकदियां। हर चीज़ नूं वेखना ते समझना बहुत ज़रूरी हुंदा है। इसीलिए फिर सब ने यही डिसाइड किया था कि जब लास्ट टाइम रोमा गई है ना, तो वो अबू जी अपनी मर्जी से फिर सना के पास रहे। जाहिर है अपने घर नाल उन्हां नूं प्यार है, अपना घर किन्नू छड़ के जाण ते दिल करदा, इस वास्ते वो फिर थोड़ा जिहा करदे हुंदे ने, पर जिहड़े वेले जाण ते फिर ठीक रहिंदे ने। और यहाँ पर मेरे आए थे भाईजान, खाना वगैरह इन्होंने मंगवाया मिलने के लिए आए, और इन्होंने भी फिर बड़ा मज़ेदार खाना मंगवाया, बड़ा मज़ा आया। और दूसरी बात ये कि भाईजान क्यों नहीं अब्बू जी को अपने साथ ले जाते, या भाईजान आके यहाँ क्यों नहीं रहते। तो आपके जो भाईजान है ना बच्चे बच्चियों, आपके भाईजान रहते हैं एक फार्म पे जो शहर से काफ़ी दूर है, जहाँ पे अब्बू जी की हेल्थ के हिसाब से फैसिलिटीज़ नहीं है, तो अबू की सेहत वास्ते भी नहीं ठीक, कीड़े मकौड़े भी उत्थे बहुत ज़्यादा ने, डेंगू का भी खतरा है। तो इस वजह से अबू जी सना के पास रहते हैं। और दूसरी बात ये है कि भाईजान की शादी क्यों नहीं हुई। भाई तुसी सारे मना लो भाईजान, मैं कहनी हाँ असी तो जड़ा काम नहीं ना कर सके तुसी कर लो, तो प्लीज़ मैनू रिश्ते भेजने बंद करो यूट्यूब पर, हैं रिश्ते भेजने बंद करो। और ये जो है ना, मैं क्योंकि जो साढ़े असी नहीं करा सकते तो तुसी भी नहीं करा सकते, ये वो मिशन है जो इम्पॉसिबल है। अबू जी ने भी किया पुत्र विआह करा लिया करा ले, तो कहते हैं ठीक है मैं करा लाँगा, कहते ना हूँ मुकरी ना अपनी गल तो पक्का रही। तो बस ये है थोड़ी सी चीज़ें बातें, बाकी
हम जितना यहाँ आके बुजी के साथ टाइम स्पेंड कर सकते हैं, उनको अपने घर ला के रह सकते हैं, वो हम करेंगे जब तक हमारी और अब्बू जी की ज़िंदगी है। बाकी मैं वेख्या है कि बहुत सारे माँ बाप जो रहते हैं ना पाकिस्तान, इनके सारी सारी औलादें बाहर है, घर च दो तीन हैल्पर ने बेचारे उन्होंने नाल ही जिंदगी गुजार छड़दे ने। असी तो फिर आके नाल टाइम स्पेंड करीदा, असी तो फिर आके अपने अब्बू जी के कोल रहीदा। तो तुसी बिल्कुल परेशान ना होया करो, बिल्कुल फिक्र ना करया करो, बस दुआ करया करो। और दूसरा, ये जो हमारे भाईजान है ना, इन्होंने ये जो घर आप देखते हैं इतना खूबसूरत, इन्होंने बनाया हुआ, इन्होंने मेहनत की हुई है। बहनों की शादियाँ की हैं, बहुत बड़ी बड़ी कुर्बानियाँ दी हुई हैं इन्होंने। तो ये जी शाम को आए थे कुछ फैंस मिलने के लिए, इन्हों का बच्चा सी, इन्हें और रो रो के सताया अपनी माँ नूं कि कुछ ना पूछो, रो रो के सता सता के। फिर इन्होंने ऐसे खड़े होके मेरे साथ बात की, बच्चे को सर के ऊपर बिठा के तो ऐसे ये बातें करती नहीं। तो मैंने कहा चले आपको दिखाऊँ कि माँ भी माँ की मुहब्बत दे भी की कहने ने, कि माँ किधरे भी होए अपने बच्चे का कंफर्ट तो आराम जरा नहीं छड़ती। अखीर तो बच्चा सौन लग पाया, इंजी वेखो इन्हें इंजी सिर ते मुँह रख के सो जाना। ये माँ है, माँ ऐसी होती है, देख ले। बच्चे को सोने में पसंद के आया माँ का सर, सो गया देखे। मिलने आए थे आज हमें, और ये जो बच्चा है छोटा, इस बेचारे ने बड़ा ही मामा का हशर देखे जाने तक क्या गया। अच्छा चलें जी, ओके, अल्लाह हाफिज़, अल्लाह हाफिज़, अल्लाह हाफिज़। अस्सलाम वालेकुम जी, यहाँ से स्टार्ट हो गया है नेक्स्ट डे का व्लॉग। मैं उठी सुबह तो अब्बू जी पहले ही किचन में बैठे हुए थे, तो मैं क्या फटाफट दही चेक करा, जड़ा मैं राती जमाया सी, जड़े मैं खोलिया तो वाह वाह कुजे च तो लगियाँ सन रौनक, एडा सोहना दही जमया सी। टाइम देखें 6:30 हुआ है और मैं इतनी जल्दी ही रोज़ सुबह उठती हूँ पाकिस्तान में, और बस जी फिर पता नहीं इंग्लैंड जाके की बनना है। इधर तो मैंने होंगे फटाफट अब्बू उठे ने, तो मैं भी उठा जावा वेखा। अब्बू जी को अंडा फ्राई करके दिया, टोस्ट दिया, ये अब्बू जी का होता है नाश्ता। फिर मैं क्या गैस नू वज जाना, गोला टुर टुर जानी है, तो मैं फटाफट जड़ा ना सब्जी बना लवा, हांडी उत्ते रख लवा भिंडियाँ, और चिकन पकाना था आज, तो बस मैं क्या इन्हों जरा भिंडियाँ सुक लैन। नाल ही अब्बू जी के लिए मैंने ऊपर रख दी चाह, चाह को मैंने कप में डाल के अब्बू जी को पकड़ाई, चाह मैं क्या लो अब्बू जी तुसी तो चाह पियो, और मैं जो है ना अब बैठ के बनाती हूँ सब्जी। माफिया जो है वो इस वक्त सो रही थी, उसको मैं उठाती होती हूँ अबाउट 8:30 बजे तक, तो उन्हें की करना एडी सवेरे उठ के, तो मैं एडी भी कोई लोली लंगड़ी नहीं जड़ी मैं कम नहीं कर सकती। तो लें जी अब हम आ गए इस टेबल के ऊपर, और मैंने कहा चलें जी हम अपनी जो है ना सब्जी काटनी वाढ़नी शुरू करते हैं। कुछ कुछ पकियां हैं, बदल बने ने, बदल नहीं, बदल बने हैं, बदल से कोई नहीं बने, नहीं बने। अच्छा नहीं नहीं मैं काट रही हूं, तुसी क्यों नहीं कट रहे ने? अब कहते हैं तुम, मैं काटता, मैं क्या हांडी रख लव, 7 बजने वाले ने, 8:30 चली जानी है गैस पे। लो जी यहाँ से मैंने कहा चलें जी हांडी जो है वो रख दें ऊपर, और भिंडियाँ इतने कटिया गई सन, प्याज लहसुन अदरक सब कुछ मैं रो पिट के कट लिया सी, और बस जी जीरा सूटा हांडी में, उसके ऊपर है पता नहीं सना 3 लत्तों वाला पैकेट बना के रख गई सी फ्रिज दे विच, फ्रीजर दे विच। तो 7 बज गए थे यहाँ पे, मैंने कहा चलें जो है ना बस हूँ 3 लत्तां ही पकावा, एक मेरी एक अब्बू दी एक माफिया दी। नमक मिर्च और हल्दी इसमें डाल के हमने इसको अच्छी तरह से भून के, फिर इसमें 2 टमाटर काट के वो भी हमने सूट दिए, इसके अंदर हमने कहा इसको तड़फा लें, और 3 लत्तां वाली मुर्गी आज पकड़ी सी। तो बस जी यहाँ अब्बू जी की दवाई का हो गया टाइम, सुबह जो वो नाश्ते के बाद करते हैं, मैं क्या अब्बू ने दवाइयाँ दे देवा, बस बड़ा ध्यान रखना पैंदा है, भूल जाते हैं, ये भी डर हों कि आप ही ना चुके खा लेना, इस वास्ते ना दवाई अब्बू जी को खुद ही देनी पड़ती है ध्यान से। तो यहाँ मैंने मुर्गी को भुना, साथ ही मैंने भिंडियाँ जो हैं वो सेपरेट उसको मैंने कहा मैं भून लूँ। यहाँ पर हमारी मुर्गी जो है वो गल चुकी थी, जो 3 लेग्स थी, तो बस जी यहाँ पर अब हम इसमें डालेंगे प्याज भिंडियों में, और प्याज डाल के हम इनको अच्छी तरह, भाई पाकिस्तान ना खाना बड़ा ही मज़ेदार पकता है, मैं कहनी हूँ बिल्कुल लेस एफर्ट के साथ,
थोड़ी जी एफर्ट करो तो एडा ही वधिया खाना बनेगा जिद कोई हद नहीं। बस जी गर्मी लगी तो मैं क्या मैं जरा वेड़े च जावा थोड़ा जहा फिर के आवा उत्ते समान वेखा कोई अखा ठंड पवे कोई दिल नु सुकून आए तो अखा सड़दियां पईआं सन प्याज़ां नाल अखा नु लगे जे प्याज ओए होए होए ऐसे कोई कातल प्याज रे ऐसे कोई कातल प्याज है मेरा बुरा हशर कर छड़िया इन्हां ने। बस इस घर नाल प्यार सानू ही नहीं साडी पुप्पां जाहिर साडे पुप्पो साडे दादा जी जिनका ये घर था उन्हां दीआं बेटियां हर बेटी नू इस घर नाल प्यार उस तरह ही रहा। हर कोई समझदा कि साडा घर है घर तो इत्थे ही है पर बहुत सारे लोग समझते हैं कि ये हमारा घर है और ताडी बेस हुंदी है ना किसी जगह ते तो साडी ऐव है। असी इस जगह तो ही पैदा होए इस जगह तो ही वड्डे होए इस जगह तो ही असी जो भी बने अजकल इस घर च बन के निकले। ले जी माफिया भी आ गई वे भिंडियां पकदियां पईयां भिंडियां ए भी बन गई बस मैं क्या गैस ना चली जाए इसमें डाल और बड़ी अच्छी बन गई। माफिया इधर खाना तैयार हो गया दोपहर के लिए पकी है हांडी और शाम को मुझे लगता है शायद मुझे कुछ और पकाना पड़ेगा इसके लिए माफिया दे दे टकरा तो शाम को कुछ और बनाऊंगी फिर। ये पैकेट पता नहीं सना ने बनाए हुए हैं किस तरह से तीन तीन विच बस बोटियां पाई तीन तीन बोटियां पाई हाँ मेरी शक्ल वेखो प्याज कट कट के अज की हो गई। तो बस फिर अभी ये दोपहर को खा लेंगे शाम को फिर मैं कुछ और बनाऊंगी। अभी यहाँ पे 7:40 हुए हैं सुबह के ये देखें और काम जो है माशाल्लाह कुकिंग का हो गया। अभी आज सारा दिन है देखें क्या करती हूँ लेकिन गैस जड़ी है ना उधर जानने के कारण हमको इतना कष्ट करना पड़ता है सुबह सुबह उठ के। आइए आज कैसे फ्री स्टाइल से नाश्ता कर रही है नीचे बैठ के हैं चाय साथ कद्दू गोश्त साथ रोटी वाह जी वाह मर्चा भी तू ही पाई ने ये बड़िया वधिया रोज रात पीना है आप भी नहीं पीना मैं तुम दवांगी ठीक है चलो हेलो पानी ना दूध ना पी लो पानी थोड़ा जो दूध ना पियो नाश्ता करनी है खाना खा लिया दूध पी रहे हैं बस कॉन्स्टिपेशन बहुत ज़्यादा हो जाती है उसका सिरप अभी दिया मंगवा गया सिरप के उत्ते लिखे आए कि रात को 2 चम्मच तो केमिस्ट कह रहा है 2 चमचे सुबह 2 दोपहर 2 शाम लेकिन मैंने जो उसके ऊपर लिखा हुआ है उसी के हिसाब से अब्बू जी को दी है दवाई।